दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म में बच्चों को शुरुआत में शिष्टाचार संबंधित बातें बताई जाती हैं। बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह से बोलना है और किस तरह से कार्य करना है, किस तरफ पैर करना है और किस तरफ नहीं। ऐसी कई बातें हैं जिनका जिक्र किया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ चीजें भी बदलती रहती हैं। कूर्म पुराण में बताया गया है कि ना सिर्फ बैठते समय बल्कि सोते समय भी इनकी तरफ अगर आप पैर कर रहे हैं या इनकी तरफ बिल्कुल आपको पैर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बुरा समय की शुरुआत आपके लिए हो सकती है। इनकी तरफ पैर करने से देवी देवता भी नाराज होते हैं और अशुभ फल दे सकते हैं। आइए जानते हैं कि बैठते समय और सोते समय किनकी तरफ पैर नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कूर्म पुराण के अनुसार घर के मंदिर की तरफ ध्यान रहे, घर के मंदिर की तरफ कभी भी पैर नहीं करना चाहिए, चाहे उस वक्त आप बैठे हों या फिर लेटे हों। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। बताया जाता है कि इससे उनका अपमान होता है और उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर इस दरमियान आपको ध्यान देना चाहिए। विद्वान और साधु संत गुरु के सामने ध्यान रहे, विद्वान और साधु संत गुरु के सामने पैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बताया गया है कि वह ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं और अपने ज्ञान से लोगों का कल्याण करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है। ऋग्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है, यहाँ तक बताया गया है कि इनसे अच्छे से व्यवहार करने पर साक्षात भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए उनके सामने अपना व्यवहार भी सही ढंग से रखना चाहिए, सही ढंग से करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। पुराणों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और इनकी सेवा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण भी अपने हाथों से गायों की सेवा करते थे और इनका निवास स्थान भी गोलोक बताया जाता है। इसलिए गाय के सामने पैर करके बैठना और सोना नहीं चाहिए, इससे उनका अपमान होता है और उन्नति में बाधा होती है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पुराण के अनुसार सूर्य पंच देवताओं में से एक हैं और पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं में इनकी पूजा की जाती है। सूर्य को राजा, प्रशासन, सम्मान आदि का कारक ग्रह माना जाता है और इनको प्रसन्न करने से सभी चीजों की प्राप्ति होती है। इसलिए विशेष कर ध्यान रखना चाहिए कि इनकी तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए, इससे इनका अपमान होता है। इसी तरह भगवान शिव के सिर पर विराजमान चंद्र देव की तरफ भी पैर नहीं करना चाहिए, इससे करने से यश की कमी होती है, उन्नति में बाधा होती है। कूर्म पुराण के अनुसार अग्नि की तरफ भी पैर नहीं करने चाहिए, क्योंकि अग्नि पंच तत्वों में से एक है, इससे ही सृष्टि का संचालन होता है और लोगों को भोजन भी मिलता है। इसलिए इनकी तरफ पैर करके ना तो बैठना चाहिए और ना ही सोना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।